बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में या 11th में स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि आपका मैट्रिक या इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है, तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं के मन में जो प्रश्न चल रहा है, जो आप लोगों की तरफ से कमेंट में लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि क्या आपका फेब्रुवरी वाला मासिक परीक्षा होगा कि नहीं, और दूसरा प्रश्न कि आपका एनुअल एग्ज़ाम अर्थात कि 9th का वार्षिक परीक्षा और 11th का वार्षिक परीक्षा कब होगा, तो आइए समझते हैं आपके दोनों प्रश्न का जवाब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी मासिक परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि हर मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन हो रहा था, तो मंथली एग्जाम अब 9th का नहीं होगा, ना ही 11th का होगा। ठीक है, अगर आपको इंटर या मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है तो अब आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। अब आपको जो भी विद्यार्थी 9th में है तो आप सीधे अब 10th का मासिक परीक्षा देंगे, और 11th वाले परीक्षार्थी जब 12th में जाएंगे तो 12th का आपका मासिक परीक्षा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि फेब्रुवरी मंथ में कोई भी मासिक परीक्षा नहीं होगा 9th का और 11th का। लेकिन आप 10th और 12th में जाएंगे उससे पहले अगर आप 9th के विद्यार्थी हैं तो आपको 9th का एनुअल एग्जाम देना होगा, और आप अगर 11th के परीक्षार्थी हैं तो 11th का आप एनुअल एग्जाम देंगे, अर्थात कि वार्षिक परीक्षा। देखिए पहले क्या होता था कि 9th का तो ठीक है वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड जो है करता था, बिहार बोर्ड अपने से प्रश्न पत्र वगैरह तैयार करके भेजता था, बट 11th का पहले इंटरनल एग्जाम होता था, मतलब कि स्कूल कॉलेज के स्तर पर ही एग्जाम हो जाता था। 9th का अभी भी स्कूल कॉलेज के स्तर पर ही होगा, बट पहले क्या होता था कि हर एक स्कूल कॉलेज का प्रश्न पत्र अलग अलग होता था, तिथि वगैरह अलग, बट इस साल से बिहार बोर्ड नियम लगा दिया है कि 9th के बाद ही 11th का भी जो एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगा, उसका आयोजन बिहार बोर्ड करेगा, और बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र पे एक डेट पर और एक ही प्रश्न पत्र से पूरे बिहार के सभी स्कूल और आपके प्लस टू विद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा होगा। चलिए बात करते हैं, तो आपको एक प्रश्न का आपका जवाब क्लियर आपको समझना है कि आपका मंथली एग्जाम अब नहीं होने जा रहा है 9th का 11th का, सीधे आप एनुअल एग्जाम के बाद जो भी मंथली एग्जाम होगा उसमें आप सम्मिलित होंगे 10th और 12th के। अब एनुअल एग्जाम आपका कब होगा, वार्षिक परीक्षा कब होगा, तो यहां पे देखिए बिहार बोर्ड का जो शैक्षणिक कैलेंडर आया था उसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उनका 11वीं का विद्यालय स्तर पे, मतलब कि 11वीं का आपका आंतरिक जांच जो परीक्षा है जहां पे आपका नामांकन होगा वहीं पर होगा, और उसका डेट आया था कि 21 से लेकर 28 मार्च तक होगा। देखिए यहां पर डेट था। उसी तरह जो भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी करें और जिन्हें मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, तो आपका आया था कि मार्च के तृतीय सप्ताह तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल जो बिहार बोर्ड शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें सभी कार्य बताया गया था कि आपका डमी एडमिट कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, उसी में ये डेट दिया गया था। लेकिन पिछले साल मैं आपको बताऊं तो मैं बताया कि हर साल जो है 11th का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पर होता, तो पिछले साल 5वें महीना में हुआ था, बट पहले इंटरनल एग्जाम होता था, कोई स्कूल कॉलेज कोई भी रूटीन जारी करके एग्जाम ले लेता था, बट अब की बारी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका एग्जाम जो है इसी मतलब मार्च मंथ में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीछे अपडेट आया था कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा अब बिहार बोर्ड कंडक्ट करेगा, जैसे आपके 9th का एनुअल एग्जाम होगा, 10th का जैसे सेंटअप एग्जाम होता है वैसे ही। क्लियर है यहाँ पे। और पिछले साल की मैं बात बताऊं तो 9th का जो है आपका एनुअल एग्जाम पिछले साल 24 फरवरी से देखिए शुरू हो गया था, बट इस साल अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी रूटीन वगैरह जारी नहीं किया गया है आपके एनुअल एग्जाम को लेकर। पीछे एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से काफी पहले एक अपडेट आया था कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से और 9वीं की 16 मार्च से होगा। ठीक है, काफी पहले अपडेट बिहार बोर्ड जारी किया था, हर जगह पेपर वगैरह में अपडेट था कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से होगा और आपका 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च को होगा। ठीक है, काफी पहले अपडेट आया था, बट अभी जो है आपका मतलब लेकिन अभी जो है आपका इसको लेकर कोई भी रूटीन वगैरह जारी नहीं किया गया है। तो क्लियर समझना है, जो भी विद्यार्थी 9th में और 11th में, अर्थात कि जिनको मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, तो आपका मासिक परीक्षा नहीं होगा, और प्रीवियस जो मतलब कि जो भी बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी किया है पीछे, उस अपडेट के अनुसार 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से और 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से होगा, और 15 दिन के भीतर इसका कॉपी वगैरह चेक करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, नए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ये डेट है, बट इसको लेकर किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, अर्थात कि रूटीन वगैरह भी जारी नहीं किया गया, ये डेट है, इसमें बिहार बोर्ड बदलाव भी कर सकता है। अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से और 9वीं की 16 मार्च से होगा। हालांकि लेकर इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी रूटीन मतलब कि डेट शीट किस डेट के दिन कौन सा एग्जाम होगा किस विषय का ये जारी नहीं किया है। कि इस पूरे वीडियो का सारांश में टू द पॉइंट आपको समझा दूं, तब आपका कोई भी आपको मासिक परीक्षा नहीं देना है, सीधे आप 10th में जाएंगे 9th के परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा देने के बाद, और आपके 11th के परीक्षार्थी 12th में जाएंगे तब आपका वही मासिक परीक्षा होगा, और आपका वार्षिक परीक्षा देना है तो वार्षिक परीक्षा प्रीवियस रूटीन के अनुसार मैंने डेट बता दिया, और ऐसे जैसे ही अगला रूटीन आएगा जिस दिन डेट शीट वगैरह बिहार बोर्ड जारी कर देगा कि इस दिन इस विषय का एग्जाम होगा, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।